क्या आप भी किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए मेरा नाम अभिषेक है और मैंने के वी एस सी टेट डी एस एस बी ऐसे एग्जाम्स को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और ये जानता हूँ कि ऐसे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कौन सी ट्रिक्स चाहिए और किस तरीके से किस बेस पर हमें सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए तो जुड़े मेरे साथ में जहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज लाता हूँ और आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करवाता हूँ नमस्कार कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका मेंटल स्टी के आपके अपने चैनल पर और आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है यस क्लास नंबर वन काफी आगे हम आ चुके हैं काफी धीरे धीरे बढ़िया आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड यस नई शुरुआत है नया समय है काफी सारी चीजें धीरे धीरे बदलती जा रही हैं और मुझे खुशी है कि एज मेंटल स्टेटिस्टिक्स प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो बैठ करके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं रोज़ तो इससे एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है एक मेरे को एक ऐसा लग रहा है कि एक जो खासकर मेंटल मैंटल स्टेटिस्टिक्स जो हम लोग यहाँ पे आ, साथ में हैं जो इतना पैनिक होने वाली जो स्थिति है तो पैनिकनेस थोड़ी हम लोगों में कम हो गई है पहले ऐसा होता था कि छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग बहुत पैनिक करते थे अच्छा ये हो गया वो हो गया इसका क्या होगा वैसा क्या होगा तो जैसे एन आया हम सभी लोगों ने पहले अच्छे से उसके बारे में सोचा और आज जो है एक सक्सेसफुल क्लास अपलोड हुई रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट परस्पेक्टिव ऑफ एन यानी कि रिक्रूटमेंट परस्पेक्टिव के आधार पर मैंने आज एक वीडियो बनाई उम्मीद करता हूं कि आपने उसको जरूर देख लिया होगा जिन लोगों ने वीडियो को देखा जरूर एक यस कर दे ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है तो उस वीडियो को देखा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आजकल फेक इन्फॉर्मेशन का दौर चला हुआ है और लोगों को घबराने का डराने का जो दौर चला हुआ है उस उस कार्य क्षेत्र में अगर मैं देखूं तो आप मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने एटलीस्ट उस वीडियो को अपनी कम्युनिटी में तो जरूर शेयर कर दिया होगा फेसबुक और व्हाट्सएप पर ताकि फेक न्यूज़ का जो प्रक्रिया है उसके ऊपर हमारी ये पॉजिटिव वाइब वाली जो वीडियो है वो उसके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाए मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन या डाउट आपको नहीं होगा हालांकि इसके ऊपर एक डिस्कशन सेशन मैं रखने वाला हूं जहां पर आपके सवाल सवालों के आधार पर मैं सारी बातें करूंगा बाकी साथ-साथ एक चीज मैं इनवाइट आप सभी को करता हूं कि आप सभी NEP के बारे में पढ़िए NEP के बारे में आप क्या समझते हैं या आपकी क्या सोच है उसको आप कंप्लीट पढ़िए और आपका जो अपना व्यक्तित्व है उसको आप 828769 थ्री डबल एट यहां पर एक थर्टी सेकेंड की वीडियो बना करके थर्टी सेकेंड की वीडियो बना करके मुझको भेजिए आगे आने वाले जो संवाद का संडे को सेशन होगा उस संडे के सेशन में मैं आप सभी की वीडियोस को वहां पे पब्लिश करूंगा जिनकी वीडियोस मेरे पास आएंगे ये तो एट टू एट सेवन सिक्स नाइन थ्री जीरो से फोर्टी से जो थर्टी से फोर्टी या फिर थर्टी सेकंड से मैं वन मिनट का टाइम देता हूँ वन मिनट से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए एक मिनट से ज्यादा और मुझे नमस्ते करने की जरूरत नहीं है और सीधा मुद्दे की बात ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात को मैं सामने रख पाऊं और इंपॉर्टेंट बातें सामने आए आप एनईपी के बारे में क्या समझते हैं क्या पॉजिटिव समझते हैं क्या नेगेटिव समझते हैं यानी कि अगेंस्ट या क्रिटिक जो भी आप समझते हैं उस एन के बारे में एक मिनट की एक वीडियो बनाइए जैसे पिछली बार अभिषेक सिंह जी की वीडियो आई थी तो वैसे आप एक वीडियो बनाइए और मुझको भेजिए दस एटलीस्ट दस की जो वीडियो है आई विल ट्राई टू पब्लिश इट ऑन अपकमिंग संवाद सेशन जो नेक्स्ट जो संवाद का सेशन होगा उसमें आप सभी के वीडियो को मैं पब्लिश करने की कोशिश करूंगा एक पब्लिक व्यू में डालूंगा और एक जो एक पब्लिक कहते हैं कि एक टीचर्स का क्या परस्पेक्टिव है तो टीचर्स परस्पेक्टिव पे आपकी वीडियो डाल करके एक एक अच्छी सी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा तो फिलहाल इसके लिए भी आप तैयार रहे और एक अच्छा सा सोच विचार के पढ़ाई करके आपकी अपनी जो थिंकिंग है उसको करके एक जल्दी से एक वीडियो बना करके मुझको व्हाट्सएप पर भेज दीजिए शिवानी जी कह रहे सर आई टुडे रिसीव योर बुक टीचिंग टू ट्रांसफॉर्म इट्स गुड बुक देन यू एंड योर एफर्ट्स थैंक यू थैंक्स थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट उस किताब का फायदा उठाइए और बेहतर बेहतरीन चीज तरीके से उसकी प्रिपरेशन कीजिए जी हाँ हमारी किताब टीचिंग टू ट्रांसफॉर्म अमेजन फ्लिपकार्ट यहाँ पे अवेलेबल है तो आप खासकर अमेजन या फिर आ, जो अपनी एक ब्लू रोज की वेबसाइट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप ले सकते हैं बुक का नाम टीचिंग टू ट्रांसफॉर्म है डायरेक्टली आप अमेजन से उसको परचेस कर सकते हैं फिलहाल हिंदी मीडियम में

अभी के दौरान एग्जाम तक आपकी जो भी समस्या होगी उन सभी समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे और इवन ज्वाइनिंग तक नहीं ज्वाइनिंग के बाद भी जब आप स्कूल में जाएंगे आपको पढ़ाते वक्त किसी भी तरह की टीचिंग एड की जरूरत हो या फिर कैसे भी आपको पढ़ाना हो चाहे ट्रेनिंग की जरूरत है फॉर एवरीथिंग वी आर अवेलेबल हियर वी आर रनिंग अ चैनल नेम्ड मेरा स्कूल आपने उसको जरूर देखा होगा वहां की वीडियोज का इस्तेमाल आप अपने टीचिंग एड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन चीज वहां पर भी आपको मिलेगी जब आप ऑन द जॉब जा चुके होंगे तब तक तो बहुत सारा वंडरफुल कंटेंट वहां पर हम अपलोड कर चुके होंगे

साथ जुड़ी हुई फैमिली के अंदर जब आप काम कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से हम चीजों को आगे लेकर के चलेंगे सो so, जल्दी से अगर आपने अभी तक तो कोर्स को रजिस्टर नहीं कर, किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ, लिंक दी गई है वहां से कोर्स को रजिस्टर करें सो दैट्स ऑल फॉर टुडे Uh, अनीता जी कह रही हैं सर मेरे स्कूल के वीडियो मेरे बेटे को uh, बहुत अच्छे अनीता जी थैंक यू थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट ओके लेट्स मूव टू टूडेज क्लास अभी मैं अन पे पर हूँ काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ होती जा रही हैं तो उनको आप सभी के साथ एक एक अभी रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करी है और जल्दी ही उसके ऊपर हम एक सेशन uh, भी करने वाले हैं मतलब दैट इज रिलेटेड टू द मेरा स्कूल एंड टीचर ट्रेनिंग कम्युनिटी के साथ साथ हमने एक अभी एक अच्छी हमारी पार्टनरशिप हुई है एक के साथ तो दैट इज़ इन द स्कूल एजुकेशन उसके बारे में भी हम लोग आप फॉलो कर रहे हैं, so all, आज का सेशन करते हैं अगर आप सभी तैयार हैं अनिशा जी कह रहे हैं साउंड प्रॉब्लम आ रही है साउंड प्रॉब्लम किस तरह की आ रही है प्लीज टेल मी सभी को साउंड प्रॉब्लम आ रही है मैं खुद सुनकर देखता हूँ नहीं कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए आज का सेशन अब शुरू करते हैं आप सभी आ चुके हैं दिस इज द जीके के सेशन सेशन नंबर वन एंड लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑन द स्क्रीन इज फर्स्ट पंचवटी अ की पार्ट ऑफ द वाल्मीकि रामायण इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया पंचवटी जो कि वाल्मीकि रामायण का एक बड़ा अभिन्न अंग है आपके हिसाब से वो भारत की किस राज्य में स्थित है नॉट आपके हिसाब से रियलिटी में किस हिसाब से स्थित है आपके ऑप्शन है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र या तमिलनाडु बताइए शिव जी कह रहे हैं कि अन अकेडमी पर स्पेशल क्लास नहीं चल रही फ्री क्लास नहीं चल रही क्योंकि अब अगला जो महीना अब स्टार्ट होगा अगस्त स्टार्टिंग में ही आपको स्पेशल क्लासेस दिखाई देंगे डोंट वरी सारी क्लासेस की डिटेल में आपको टेलीग्राम पे दे ही देता हूं यस ओके चलिए शुरू करते हैं इसका सही जवाब पंचवटी जो है पंचवटी इट इज ए प्लेस वेर इट इज सिचुएटेड कुछ लोगों का जवाब जो है वो आ रहा है कि भैया पंचवटी जो है उत्तर प्रदेश में है अयोध्या को लेकर के आप थोड़ा सा कर रहे हैं लेकिन देखो यूपी से तो वो पहले ही निकल गए थे वो काफ़ी आगे चले गए थे तो जाते जाते आज के समय का जो नासिक है वहाँ पर एक पंचवटी नाम की जगह थी यानी के नासिक के अंदर पंचवटी नाम की जगह थी और नासिक हमको पता है कि महाराष्ट्र में है सो so, सी महाराष्ट्र के अंदर जो पंचवटी नाम की जगह है वहां पर वहां का जिक्र जो है वाल्मीकि रामायण में किया गया है सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड रिक्ता मुखर्जी आप बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए विभू जी एब्सोल्युटली करेक्ट संगीता जी एब्सोल्युटली करेक्ट वेरी नाइस अरुणा जी कह रहे हैं सर मातृभाषा में पढ़ना होगा तो एक पॉइंट यह भी है कि हम जहां रहते हैं वहीं की पोस्टिंग मिलेगी अरुणा जी एनईपी के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए ऐसे चंद मुद्दों पे कंफ्यूजन ज्यादा होगी तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि अभी बस अभी पढ़ाई पर फोकस कीजिए मैं आपके लिए डिस्कशन सेशन लेके आऊंगा और आप बेमतलब में किसी की भी बात मत सुनिए अगर आप किसी की बात सुनते हैं तो अच्छे तरीके से उसको ओरिजिनल सोर्स से एक बार रेफर कीजिए और फिर उसको समझिए क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है और एनईपी e. हम अपने जीते जी पहली बार एनईपी e. देख रहे हैं जब से हम पैदा हुए हैं मेरे को लगता है कि हमेशा शायद किसी ने भी जो एनईपी उन्नीस की है वो हमेशा शायद किसी ने नहीं देखी होगी कुछ लोग होंगे जो उस समय के होंगे

ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट नेपाल फ्रॉम भूटान इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो नेपाल को भूटान से अलग करता है बिहार असम उड़ीसा सिक्किम यस एडवांस स्टडी पॉइंट कहता है अभी भी नासिक में उस प्लेस को मानते हैं जहां पर यहां से रावण ने सीता को हर के लेके गया था यह जवाब देने का समय आपका होता है खत्म आपको पता है ये नेपाल है और फिर उसके बाद यह भूटान है बीच में जो ये दिखाई देता है यह सिक्किम है यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर जो कि भूटान और नेपाल को एक अलग करता है बीच में से एक बॉर्डर बनाता है सिक्किम जो कि काफी जो विवाद चलते रहते हैं और सिक्किम के ऊपर काफी हक लोग जमाने की कोशिश करते रहते हैं सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड रहनुमा जी आप बिल्कुल सही है नवनी जी आप

बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसके बारे में एक बार हमने चर्चा करी थी जहां पे अल्फा बीटा गामा इन सभी रीज के बारे में हमने चर्चा करी थी झा सकेतन जी मे भी आप थोड़ा लाइव में थोड़ा पीछे चल रहे हैं आप चेक कीजिए कि आप एकदम एग्जैक्टली लाइव में चल रहे हैं कि नहीं अनिशा जी कह रहे मेरे वीडियो में आवाज नहीं आ रही वाई आप एक बार चेक कीजिए इस वीडियो को दोबारा रिबूट कीजिए या फिर फोन को रिबूट कीजिए या स्पीकर चेक कीजिए या क्वेश्चन नंबर थ्री जब हम इस प्रश्न की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था तीन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और गामा रेस के बारे में मैंने बताया था तो गामा रेस जो होती है ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है डीज एब्सोल्युटली करेक्ट और गामा रेस के काफी सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं जिसका आप ध्यान रखिएगा सो so डी इसका जो रंग होता है हरे रंग का नॉर्मली इसको माना जाता है एंड गामा रेस से जुड़ी मूवी आपको पता है हल्क ठीक है हल्क जो है गामा रेस की वजह से ही प्रभावित हो गया था डी गामा रेस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर थ्री डी इज करेक्ट एंड नवनीत जी आप बिल्कुल सही हैं सलोनी जी आप बिल्कुल सही हैं इंदू रामावत जी आप बिल्कुल सही हैं इस प्रश्न के लिए एक्सीलेंट यस यस गामा रेज हैव द हाईएस्ट एनर्जीज यस क्वेश्चन नंबर फोर रानी की बाव द क्वींस स्टेप वेल विच इज इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन रानी की बाव कहां स्थित है उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात या मध्य प्रदेश क्वेश्चन नंबर फोर यस दे कैन क्रॉस आवर स्केलेटन वो हमारे जो बॉडी का जो हार्ड पिंजर है उससे पार हो सकता है हल्क कौन ये मार्वल मूवीज के अंदर एक है क्वेश्चन नंबर फोर जवाब देने का समय आपका होता है खत्म रानी की बाव मैं यहां पर घूमने भी गया हूं व्हेन आई वाज इन माय डिप्लोमा जब हम डिप्लोमा में थे तो उस दौरान हमारा एक आउट स्टेशन ट्रिप लगा था जिसमें हम गुजरात के अंदर अहमदाबाद में गए थे तो अहमदाबाद में हमको रानी की बाव लेके गया गया था हमने वहां पे बहुत अच्छे से देखा था और हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी स्टेप वॉल आपको पता है जो कि हमने फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी में भी पढ़ा है जहां पर स्टेप वॉल के बारे में काफी अच्छे से जिक्र किया हुआ है खासकर राजस्थान के स्टेप वॉल्स का काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया गया है जोधपुर के बारे में था वो और यहाँ पर जब हम बात करते हैं रानी की बाव तो ये भी इसीलिए था वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की ये बहुत ही अनूठे उदाहरण है जिसका जिक्र जो है क्या नाम है उसका अल बिरूनी नाम का एक जो यात्री था उसने भी इसके बारे में बताया है किताब के अंदर सो so, रानी की बाव वहां पे जब मैं गया वहां पे मैंने देखा कि काफी सुंदर और व्यवस्थित तरीके से वो बनाया हुआ है पानी इकट्ठा होता है बारिश का स्विमिंग पूल्स भी बनाए गए हैं जहां पे रानियां नहाती हैं तो काफी बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे दिखाई गई है राजा यहाँ पे दिखाते रॉयल रॉयल एक बना रखा है उन्होंने को ये मतलब ये रॉयल था मतलब अवशेष अवशेष टाइप में लिखे हुए और वहां पे गाइड ने ऐसे से बताया कि यहाँ पर इस तरीके से चीजें होती हैं तो ये गुजरात में है और गुजरात में भी अहमदाबाद में ये अवेलेबल है सी इज द करेक्ट आंसर कभी मौका मिले तो जरूर घूम के आइए फोर्थ द करेक्ट आंसर इज सी एंड इंद्रेश जी आप बिल्कुल सही है विराट जी एब्सोल्युटली करेक्ट ज्योति टिकर विभू अनिशा यू एब्सोल्युटली करेक्ट ग्रेट यस पाटन पाटन के अंदर है और पाटन pattern... अगर आपको पाटन घूमने में जाए तो पाटन के अंदर दो तीन चीजें हैं पाटन में एक बहुत ही ट्रेडिशनल साड़ी बनाने वाली एक परिवार है जो कि इस पूरे धरती पर इकलौते वही एक परिवार है जो उस तरीके से साड़ी को बनाता है पाटन पटोला ऐसे कुछ है पाटन का पटोला ऐसे करके वो लोग लो साड़ी बनाते हैं और मतलब काफी महंगी साड़ी है डेढ़ लाख दो लाख की एक साड़ी होती है तो वो लोग वहां पर दिखाते भी एग्जिबिट भी करते हैं अगर आपको मौका मिले तो वहां पर भी जरूर घूमिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव रीजन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी का एक ऐसा रीजन वेयर फ्रीक्वेंटली एसेस डेटा कैन बी स्टोर्ड फॉर अ रैपिड एक्सेस इज कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी का एक वह क्षेत्र जहां अक्सर एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं कुकी प्लग इन टोकन या कैश ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है या आपके कंप्यूटर वाला जो पार्ट है उसमें ही आ सकता है या yes, कई बार आपने अपने कंप्यूटर या मोबाइल को जब चलाया होगा तो कई बार आपने देखा होगा जब हिस्ट्री बटन में जाते हैं आप क्लियर हिस्ट्री में जाते हैं तो आता है क्लियर क्लियर कुकीज और क्लियर कुकीज एंड क्लियर कैश ये करके आता है तो आप देखिएगा एक बार आप ट्राई करके देखिएगा कि एक बार आप अपने ब्राउजर को बिल्कुल रीसेट कर दीजिए मतलब ब्राउजर की सारी हिस्ट्री पासवर्ड वगैरह सबको डिलीट कर दीजिए ठीक है और एक बार आप किसी वेबसाइट को ओपन कीजिए जैसे फेसबुक यूट्यूब आप ओपन कीजिए और उसके ओपन करने का टाइम आप नोट कीजिए कि पहली बार अगर कोई वेबसाइट यानी कि बिल्कुल ब्राउजर को रीसेट कर दिया गया है और रीसेट करने के बाद फिर आपने उस ब्राउजर को अगर आप ओपन करेंगे तो टाइम नोट करेंगे तो आप पाएंगे कि उस वेबसाइट को लोड होने में काफी ज्यादा समय लगता है लेकिन जब आप काफी समय से यूज टू होते हैं लेकिन अभी आप कभी भी यूट्यूब अपने क्रोम पर या फिर कोई भी वेबसाइट खोलते हैं जो कि आपने पहले खोली हुई है तो एकदम से खुल जाती है एक झटके में खुल जाती है तो इसके पीछे क्या रीजन है क्योंकि आप को पता है जब भी हम कोई वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं वेबसाइट पे ब्राउजर पे ब्राउजर तो क्या होता है हम यहां से अपलोड करते हैं डेटा और वहां से फिर हमारा सिस्टम जो है वो वो डाउनलोड करके पिक्चर्स हमको दिखाता है लेकिन जब कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसके अंदर हम क्या कंप्यूटर का एक सिस्टम है जो कि क्या करता है जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर के जो ग्राफिक्स है और कंप्यूटर के डाटा को कैश में सेव कर लेता है इससे क्या होता है कि एक जो बेसिक ग्राफिक होता है यानी कि जो ऊपर की जो कहने का मतलब है जो डायनेमिक चीजें हैं वो तो बदलते रहती हैं लेकिन जो बेसिक ग्राफिक्स हैं किसी भी वेबसाइट के वो कैश में सेव हो जाते हैं इससे क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट को हम ओपन करते हैं तो वो एक ही झटके में खुल जाती है तो इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं कैश एंड कुकीज भी इंपॉर्टेंट है बट इस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं कैश जो कि हेल्प करता है सारा डेटा सेव करने में और उस वेबसाइट को दोबारा रैपिड ओपन करने में मतलब तुरंत ओपन करने में हमारी हेल्प करता है डीज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन एंड अवनीत जी आप बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए एंड इंदु जी एब्सोल्युटली करेक्ट झा हैं जी एब्सोल्युटली करेक्ट रहनुमा आर एब्सोल्युटली करेक्ट ग्रेट यस yes, अगर आप उसको रिसेट कर देंगे तो वो फिर टाइम लगेगा ठीक है क्वेश्चन नंबर जैसे आप एक काम की आप एक काम करना है इसके लिए मैं आपको बताता हूं जैसे कि आप जैसे फेसबुक के पास एप्लीकेशन यूट्यूब की एप्लीकेशन होगी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन होगी आप एक काम करेंगे जब उस एप्लीकेशन यानी कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जाने के बाद जब ऐप को देखेंगे तो ऐप का दिखाएगा कि ऐप का ओरिजिनल साइज है हंड्रेड एम लेकिन टोटल स्पेस उसने जो कैप्चर कर रखा होगा वो लिखेगा सेवन हंड्रेड तो इतने एम क्यों है जब आप फेसबुक का ऐप ओपन करते हैं तो एकदम तुरंत ओपन होता है क्यों क्योंकि कैश में सारी चीजें सेव हो रखी है और वो सारा डेटा

Yes. तो व्हाट इज द फुल फस जीएसटी आई एन जीएसटी का तो प, पता है हमको गुड्स एंड सर्विस टैक्स आई का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जिससे हमको देखो जीएसटी तो पूरा एक कंसेप्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेकिन हर एक दुकान को उनका एक यूनिक नंबर मिलता है जिस वजह से उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि भाई ये पर्टिकुलर जो टैक्स का जो डिटेल आया गया है या फिर ये पैसा जो आया है वो कहां से पर्टिकुलर आया है तो जीएसटी आई का मतलब यही होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर कि भाई ये पर्टिकुलर जो पैसा रिसिप्ट आया है ये किस शॉप से आया है या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन से आया है तो जीएसटीएन का मतलब जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड नवीन बलोनी जी उपासना रहनुमा विभू अनीशा आप बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए नवनी जी आप बिल्कुल सही है अग्निमेत्रा निशा योर एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन ग्रेट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 पान सिंह तोमर आपने मूवी देखी होगी अब वो नहीं रहे लेकिन बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग इस फिल्म में उन्होंने करी है और पान सिंह तोमर को तो हम ऑलरेडी जानते हैं एक एथलीट और एक मतलब डाकू रहे हैं वो तो पान सिंह तोमर हु वाज अ सेवन टाइम नेशनल चैंपियन वॉज असोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पान सिंह तोमर इन चारों में से किस खेल से जुड़े हुए हैं शॉर्टपुट स्विमिंग स्ट, स्टीप चेज स्टिपल चेज या फिर हॉकी बताइए यस yes. तो भैया आपने पान सिंह तोमर की जब आपके दिमाग में इमेज बनती है तो दौड़ते हुए इमेज बनेगी मतलब वो रेस करते थे ठीक है लेकिन रेसिंग तो यहां पर लिखा नहीं हुआ तो इसका मतलब समझते हैं पुट का मतलब होता है गोला फेंक आपने देखा होगा कि एक ऐसे बहुत भारी सा एक गोला होता है और वो एक रस्सी से लगा रहता है और रस्सी को लेकर के ऐसे पहले घुमाते हैं और फिर ऐसे घुमाते हैं और घुमाते 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 ऐसे छोड़ देते हैं तो वो जो जाता है उसको कहते हैं एक तो ये होता है पुट और एक दूसरा पुट होता है जहां पर एक हाथ गोला होता है यानी कि एक वजन है लड़कियों के लिए अलग वजन होता है लड़कों के लिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वजन होता है तो वो वजन को लेकर के हाथ में रखना पड़ता है और फिर उसको ऐसे करके फेंकना पड़ता है है तो जितना दूर आप फेंकेंगे उस हिसाब से आप जीतेंगे तो ये वाला गोला -पुट और एक ऐसे रोप से घुमा करके गोले को फेंकते हैं वो एक दूसरी चीज होती है दोनों दोनों ही पुट है लेकिन दोनों अलग रोल है मेन पुट ये वाला होता है तो इस शॉर्ट पुट के अंदर पान सिंह तोमर का नाम नहीं था स्विमिंग मीन स्विमिंग इसमें भी नाम नहीं था हॉकी में भी नहीं था ये स्टिपल चेज का मतलब क्या होता है कि बहुत तेज दौड़ना विद हडल रेसिंग विद हडल यानी कि रेसिंग ट्रैक पर ऐसे हडल होता है कोई भी चैंपियन आता है दौड़ता है फिर यहाँ पर ऐसे जंप करता है फिर फिर यहां पर दौड़ता है और फिर यहाँ पर जंप करता है फिर दौड़ता है फिर जंप करता है हडल रेस जो होती है उसको स्टिपल चेज कहते हैं और इसी में पान सिंह तोमर चैंपियन थे सो सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन

और द पेमेंट ऑफ ए लोन इन द इंस्टॉलमेंट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किश्तों के ऋण में भुगतान की कमी या भुंदा, भुगतान को संदर्भित करता है आपके ऑप्शन है क्रेडिट क्रिएशन बैकवर्डेशन या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेरी छोटी सिस्टर स्कूल में चैंपियन थी शॉर्टपुट में ये नहीं रिले रेस अलग होती है रेनुमा जी रिले रेस इज टोटली डिफरेंट रिले रेस का मतलब होता है जैसे कि एक ही ये मान लो रेसिंग ट्रैक है तो रेसिंग ट्रैक में यहाँ से मान लो एक रेस हो रही है अब रीले रे, रेस चार तरह दो तरह की हो सकती है एक रिले रेस का ट्रैक यहाँ पे जहां पर चार पॉइंट्स बनाए गए हैं और एक रिले रे, 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 रेस होती है जहां पे एक ही ट्रैक होता है अब चार प्लेयर यहाँ खड़े रहते हैं चारों प्लेयर एक टीम के होते हैं और एक बार दौड़ता है एक बंदा चक्कर करके आता है और उसके हाथ में एक, एक, एक मतलब हाथ में कुछ हैंडल सा रहता है या कुछ भी रहता है एक राउंड पूरा करने के बाद वो दूसरे प्लेयर को देता है फिर दूसरा चक्कर मारता है फिर तीसरा या फिर एक प्लेयर यहाँ खड़ा रहता है एक प्लेयर यहाँ एक प्लेयर यहाँ और एक प्लेयर यहाँ मतलब ये यह चारों चार अलग अलग टीम के हो सकते हैं जैसे दो टीम के कर रहे हैं तो एक टीम के अंदर चार प्लेयर होते हैं दोनों रेस यहां से देते हैं और ये वाला अपनी टीम को रिले दे देता है दूसरा वाला दूसरी टीम को देता है फिर यह भागता है इसको देता है फिर यह देता है तो एक तरीके से चार लोग एक रेस को करते हैं जिसको फोर इंटू हंड्रेड मीटर इस तरीके से बोलते हैं फोर इंटू हंड्रेड फोर इंटू टू हंड्रेड यानी कि चार लोग सौ सौ मीटर के चार सौ मीटर की रेस होती है इसको रिले रेस करते हैं बट स्टीप इज ए हडल रेस दैट इज टोटली डिफरेंट बट यहां पे हम बात कर रहे थे इस प्रश्न के अंदर बात हो रही है कि भैया कि हम लोग क्या कर रहे हैं रनिंग डाउन ऑफ द पेमेंट पेमेंट यानी कि लोन जब हम देते हैं तो लोन को रिसीव करने में रनिंग डाउन कर रहे हैं मतलब लोन का पैसा अमाउंट रिसीव नहीं कर रहे हैं या फिर इंस्टॉलमेंट को अभी हम स्टॉप कर रहे हैं तो इस तरह की चीज को कहते हैं अमोटाइजेशन जो कि कुछ समय पहले बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था जहां पर गवर्नमेंट uh, के कहने के बाद बैंकों ने यह फैसिलिटी दी थी कि आप लोग अमोटाइज करा सकते हैं हालांकि अमोटाइज कराने के काफी ज्यादा नुकसान थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है बाद में काउंट होना ही था तो काफी ज्यादा उससे नुकसान होना था इसलिए बैंक ने तो अपनी मर्जी से तो नहीं किया बट अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको अमोटाइजेशन की फैसिलिटी दी गई जो लोग आ, वैसे ही क्रेडिट की फैसिलिटी से आ, आ, मतलब मुश्किल में थे तो उन लोगों ने इसका फायदा जरूर उठाया सो बी अमोटाइजेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्रेडिट क्रिएशन बैकवर्ड डेशन और डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज टोटली डिफरेंट फॉर इज नॉट रिलेटेड टू इट इज इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन सो बी इज करेक्ट So, यहां पे काफी गड़बड़ हुई है इसलिए मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा था हिंदी में लिखता तो सही हो जाता है आप लोगों का किसने सही दिया है हु इज करेक्ट बी तो यार किसी ने नहीं, नहीं दिया यस yes, पंक पूनम कुमारी जी आप बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए ग्रेट एंड यश श्रीवास्तव आप बिल्कुल सही है ग्रेट चलिए अगला और कनिका पटियाल आप भी बिल्कुल सही है चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स वट इज उन बुन्टू का नाम आपने कई बार सुना होगा कंप्यूटर की दुनिया में उनबुंटू का क्या मतलब है अ फायरवाल डेवलप बाई माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक फायरवाल ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एक ईआरपी है ये फ्रॉम सैप सैप की तरफ से दिया गया एक ई है या फिर लेटेस्ट फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर पैकेज बाई इन्फोसिस इन्फोसिस के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है क्या है यह हाँ अर्चना जी कह रहे हैं मोराइटियम भी कहते हैं इसको बिल्कुल सही बिल्कुल वही बात है यहाँ पे चलिए जवाब देने का समय आपका होता है खत्म उनबुंटू जो शब्द है ये यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपने उनबुंटू कई बार सुना होगा जब आप ऐसे कोई सॉफ्टवेयर सर्च करते हैं तो आपको कई बार जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप के बाद लिखा रहता है ना अवेलेबल फॉर आईओएस एंड एंड्रॉयड मतलब ये ऐप एंड्रॉयड यानी कि एंड्रॉयड फोन में और आई एस आई आईओएस यानी कि एप्पल के फोन में ये ऐप चल सकती है ठीक उसी तरीके से जब हम डेस्कटॉप या फिर कंप्यूटर पे आते हैं तो कंप्यूटर में तीन तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम फिलहाल अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड में नंबर वन है नंबर पे आता है विंडोज विंडोज आप जानते हैं जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है विंडोज जिस पे की जिसके ऊपर मैं अभी वर्क कर रहा हूं विंडोज जो कि बिल गेट्स का है जो कि आप देखते हैं जितना टेन विंडो नाइनटी से लेकर के आजकल विंडो टेन चल रहा है सेकेंड नंबर पर बात करते हैं तो एप्पल का आ, उसको कहते हैं आईओ एस आईओ एस ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आईओ एस चलता है ये जिसको मैक मैकबुक मैकबुक प्रो आप जानते हैं कि जो मैक कंप्यूटर्स होते हैं आई मैक के अंदर आता है तो उसके अंदर आईओ एस सॉफ्टवेयर डला होता है यानी कि एप्पल का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है और तीसरा जो है वो होता है लिनक्स लिनक्स का Linux के, जिसका जिसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं उनबुन टू तो वो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ध्यान रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउजर्स ये सारी चीज और इसके ऊपर कंप्यूटर के तो के तो अंदर तो एक आधा क्वेश्चन तो घूम फिर जैसे विंडो क्या है विंडो आप खरीदेंगे तो ढाई हजार तीन हजार की विंडो डलती है ठीक है मतलब जेनुअन विंडो जो होती है और आईओ एस एप्पल के कंप्यूटर के अंदर तो आपको भाई मिलता है उसमें तो फ्री कुछ भी नहीं है और लिनक्स जो है ओपन सोर्स है मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये फ्री विंडो बनाई गई है इसके हालांकि उतने नहीं होते बट स्टिल एक जैसे नॉर्मल कई बार कॉलेजेस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल करके जो बच्चों को लैपटॉप देते हैं उन मुंडू डाल के ही देते हैं बच्चे बाद में उसको चेंज कर लेते हैं सो दिस इज द डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कई बार हम मोबाइल्स की बात करते हैं तो मोबाइल के अंदर अभी आप जो चला रहे हैं ठीक है अभी हाँ ओ के अंदर एक ओ और भी आजकल चल रहा है दैट इज क्रोम बुक क्रोम बुक आपने नाम सुना नाम सुना है क्रोमबुक क्रोमबुक एक लैपटॉप है जैसे नोट हम देखते हैं मतलब जैसे आप पतले कंप्यूटर होते हैं एप्पल का भी है विंडो का भी है अलग अलग कंपनी के आते हैं विंडो में तो कई सारी कंपनी के आते हैं एक क्रोम ने भी अपना क्रोम बुक निकाला है तो क्रोम बुक के अंदर इनमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं होता क्योंकि गूगल ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला है जिसको क्रोम क्रोम बुक कहते हैं आई थिंक क्रोम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा तो क्रोम बुक के अंदर क्रोम का ही ऑपरेटिंग सिस्टम डला रहता है जब हम मोबाइल्स पर आते हैं तो मोबाइल्स पर ध्यान रखिएगा जो आप अपने फोन में मेजोरिटी लोग जो एंड्रॉयड अपने फोन में चलाते हैं तो एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डेवलप किया है गूगल ने ध्यान रखिएगा उसके बाद एक आता है आईओ और आईओ जो है आईओ को डेवलप डेवलप किया है एप्पल ने उसके अलावा आप नोकिया के फोन जब पहले चलाते थे उसमें सिम्बियन का सॉफ्टवेयर आता था तो सिम्बियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज़ के फोन आपने देखा होगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट uh, ने फोन uh, निकाले थे तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम था इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जैसे फोन के अंदर अब जब आप क्रोम खोलते हैं तो क्रोम एक ब्राउजर है और ऑपरेटिंग सिस्टम इज टोटली डिफरेंट कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि विंडो टेन और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी बिल्कुल अलग प्रोग्राम है और विंडो एक अलग प्रोग्राम है विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ वर्किंग प्रोग्राम इट इज़ अ सॉफ्टवेयर राइट right, तो इसके ऊपर चर्चा तो मैं आगे की क्लास में सेपरेटली और बहुत ही डिटेल में करूंगा जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो टू है और मैं बताना चाहूंगा रहनुमा जी आप बिल्कुल सही हैं इस प्रश्न के लिए एंड इस अब तो बहुत लोगों ने गलती कर दी उन बुंटू का श, नाम आपने शायद सुना नहीं कंप्यूटर के फील्ड में थोड़े आ, मतलब थोड़ा कम पता है दिव्यांशा जी आप बिल्कुल सही हैं भावना जी आप बिल्कुल सही हैं मैं बताऊंगा चिंता मत कीजिए ठीक है यस सिम्बियन वाज डेवलप्ड बाय नोकिया यस एस वाई एस फाइल आती थी इसकी ठीक है विंडो की जब आप फाइल चलाते हैं तो उसके अंदर ई एक्सी एंड में लिखा रहता है ई एट एक्सटेंशन पर चलता है एप्पल में जब चलाते हैं तो उसके अंदर डीएमजी करके चलता है तो हर एक अपने अपने एक्सटेंशन होते हैं आ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए शिवानी जी मैं कंप्यूटर में आपको एक्सपर्ट बना दूंगा चिंता मत कीजिए ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन राम विलास पासवान आपने नाम सुना होगा इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच पार्टी किस पार्टी के ये मतलब अध्यक्ष हैं लोक शक्ति पार्टी ये जगती लिखा हुआ है लोकशक्ति पार्टी जनशक्ति होगा शायद लोक जनशक्ति पार्टी है शायद ठीक है समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बताइए इसका ये थोड़ा सा गलत है यहां पर स्पेलिंग में तो इसका सही जवाब यह है लोक जनशक्ति ठीक है तो रामविलास पासवान भैया जो कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी लगा दिया बट इट इज रॉन्ग रामविलास पासवान जो है लोक जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं लोक जनशक्ति रामविलास पासवान बिलोंग्स टू लोक जनशक्ति पार्टी ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन जो लोग यूपी के हैं वो लोग तो तुरंत जवाब देंगे हेमलता जी आप बिल्कुल सही हैं पूनम जी एब्सोल्युटली करेक्ट और फिलहाल जो जो रामविलास पासवान है तो फिलहाल मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसके मंत्री हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर में हैं ये तो कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ये मिनिस्टर हैं सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड पूनम जी आप सही हैं विष्णु जी आप बिल्कुल सही हैं इस प्रश्न के लिए एंड uh, uh, किसी ने पूछा आन्या सिंह सर क्रोम लैपटॉप का प्राइस क्या है क्रोम लैपटॉप का प्राइस देखो ठीक ठाक ही है इतना सस्ता भी नहीं है लेकिन क्रोम बुक के अंदर ध्यान रखिएगा बाकी सारी चीज़ें नहीं चलती क्रोम बुक के अंदर सब कुछ गूगल प्रोडक्ट पे चलता है एमएस वर्ड सब कुछ गूगल डॉक्यूमेंट गूगल शीट सब कुछ गूगल का प्रोडक्ट ही उसमें चलता है और एक तरीके से एंड्रॉइड की तरह दिखाई देता है तो अगर आप चाहते हैं तो एक बार सबसे पहले उसका डेमो जरूर दिखेगा किसी क्रोमा सेंटर या रिलायंस में जाकर के पहले डेमो देखिएगा पसंद आए तो ही उसको लीजिएगा यस यस यहां पे लिखा हुआ है हाँ विभू जी कह रहे हैं टाइजन टाइजन भी एक ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज डेवलप बाई सैमसंग यस लेकिन आजकल एंड्रॉयड चलता है हर जगह चलिए और ये पीडीएफ पाने के लिए मेक श्योर sure कि आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन किया हुआ है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए एमओ एम ई एन टी ओ आर एस मेंटर स्टेटिस्टिक्स आपको टाइप करना है टेलीग्राम पर और इजिली आप इसको पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे सेशन खत्म होने के 10 मिनट के अंदर ही आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज पॉपुलरली नोन एज दक्षिण गंगा दक्षिण गंगा इन चारों में से किसको कहते हैं कृष्णा गोदावरी पेरियार या फिर तुंगभद्रा रामविलास पासवान के बेटा चिराज पासवान जमुई से हैं हाँ दिव्यांग जी कह रहे डॉक डॉक डीओसी है? डीओसी एक एक्सटेंशन एक एक है लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन है एक एप्लीकेशन का है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है डीओसी अच्छा ये डी आप DOS बोल रहे हैं डॉस डॉस एक अलग चीज है एमएस डॉस चलिए जवाब देने का समय आपका होता है खत्म क्वेश्चन नंबर इलेवन द करेक्ट आंसर इज बी गोदावरी गोदावरी को कई बार हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर इलेवन बी अनिक्ता जी आप सही हैं अनिशा जी आप बिल्कुल सही हैं लक्ष्मी इंद्रेश नवनीत न, आ, नवीन आ, रहनुमा आप सभी बिल्कुल सही हैं एक्सीलेंट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए इन द कंटेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट इसके बारे में मैंने आपको बैंकिंग वाले एक सेशन के अंदर बताया था स्विफ्ट की फुल फॉर्म बताइए क्या होगा सोसाइटी yes. मैंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि ये स्विफ्ट होता क्या है जैसे आपने सुना होगा कि बाई चांस मान लो आज आपको कुछ किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है आजकल तो चलो यूपीआई आ गया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तो ये इसको छोड़ दीजिए यूपीआई के आने से पहले अगर आपको किसी के अकाउंट में पैसा डालना होता था तो आप एनई करते थे ठीक है नेफ्ट करते थे और नेफ्ट जानने के लिए आप आई कोड का इस्तेमाल करते थे यानी कि आप बोलते थे तू अपने बैंक का आई कोड बता और अकाउंट बता अभी बैंक में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा आजकल वैसे ही करते हैं आजकल भी करते अगर मोबाइल के थ्रू थु करते हैं तो यूपीआई के थ्रू चला जाता है लेकिन आप आई कोड का इस्तेमाल करके हम नॉर्मली पैसों का ट्रांसफर करते हैं तो आई क्या करता है बैंक की बैंक की लोकेशन बताता है जब हम बात करते हैं स्विफ्ट की तो स्विफ्ट भी बैंक की लोकेशन ही बताता है लेकिन स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल होता है जब कोई इंटरनेशनल ट्रांसफर होता है यानी कि इंडिया के अंदर इंडिया के एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आपको पैसा जमा करना है या फिर ट्रांसफर करना है तो आप आईएफएससी के इस्तेमाल से कर सकते हैं लेकिन मान लीजिए सिंगापुर से कोई आपको पैसा ट्रांसफर करना चाह रहा है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और सिंगापुर के अंदर तो उनकी अपनी कोई बैंक होगी यहां पर वो बैंक है नहीं और यहाँ पर इंडिया की अपनी एक बैंक है अगर वो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहता है तो वो स्विफ्ट के थ्रू आता है एंड स्विफ्ट की फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन ठीक है वर्ल्ड को पूरा ले लिया है और फिर इंटरबैंक जब वर्ल्ड को एक ले लिया तो वर्ल्ड के सारे बैंक इंटरबैंक होंगे वर्ल्ड के वर्ल्ड वाइड ले लिया तो यहां पर इंटरनेशनल बोलने की जरूरत नहीं है फोर्थ इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन एंड लक्ष्मी जोशी जी आप बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए रिक्ता मुखर्जी आप बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए ब्राजेश जी आप बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए यस yes. क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम रैम आपने सुना होगा दो जी बी रैम चार जी बी रैम आजकल छह जी बी रैम आप अपने फोन में खरीदते हैं तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है रिपीटेड एक्सेस मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैपिड एक्सेस मेमोरी या रेगुलर एक्सेस मेमोरी बताइए Yeah, जवाब देने का समय आपका होता है खत्म द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके फोन की स्पीड बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर प्लस रैम कितना है सबसे पहला आप प्रोसेसर की बात आती है और प्रोसेसर के बाद आता है कि भाई रैम कितनी है रैम के आधार पर आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल की स्पीड डिपेंड करती है कितना ज्यादा मल्टी कर पाते हैं और कितने स्पीड तरीके से आप डेटा का इस्तेमाल करते हैं द करेक्ट आंसर फॉर राय इज रैंडम एक्सेस मेमोरी जब मैं कंप्यूटर की क्लास लूंगा तो इन सब चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा सो बीज द करेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड नवनीत जी आप बिल्कुल सही है रहनमा नवीन रिक्ता दिव्यांश इंद्रेश विभू आप सभी बिल्कुल सही है सभी लोग सही है और जो लोग सही है एलिमेंट दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन अंपाउंड टू क्लासिफाई इट एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर किसी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बताना है, तो इन चारों में से कौन सा एलिमेंट है जिसमें होना चाहिए अमोनिया जिंक कार्बन या आयरन बहुत ही आसान प्रश्न है यस yes, विभू प्रसाद कह रहे हैं रॉम रीड ऑनली मेमोरी यस

होगा तो उसके अंदर कार्बन के का, कार्बन का एलिमेंट हमको जरूर मिलेगा सो सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिना किसी डाउट के एंड एंडिका जी आप बिल्कुल सही, सही है रिक्ता जी आप भी सही है भारती भारतीपोल नवीन लक्ष्मी अनिशा आकांक्षा एब्सोल्युटली करेक्ट वेरी नाइस यस कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट इंपॉर्टेंट वी कैन से बट इट इज एन असेंशियल इनडिस्पेंसेबल एलिमेंट फॉर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन च फोर्स हेल्प स्विमर टू फ्लोट इन वाटर कई बार स्विमर जो होते हैं पानी में से तैरते रहते हैं तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि स्विमर्स को तैरने में मदद करता है आपके ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स मस्कुलर फोर्स या बाय फोर्स यस yes, अभिषेक सिंह ने जी ने कह दिया कि केमिस्ट्री क्लास टेंथ चैप्टर नंबर वन एनसीआर है यस कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑर्गेनिक एलिमेंट्स ग्रेट इसीज को ध्यान रखिए थैंक यू सोनल जी चलिए पंद्रहवा प्रश्न जवाब देने का समय होता है खत्म देखिए पानी के अंदर एक क्षमता होती है चीजों को ऊपर की तरफ फेंकने की यानी कि उसके अंदर एक बल होता है जिसको कि हम कहते हैं बायोन्ड फोर्स और हिंदी में इसको बोलते हैं उत्पालावन बल अब क्या होता है कि कोई भी चीज जब पानी के अंदर जब जाती है तो पानी भी एक धक्का देता है कि भाई तुम ऊपर की तरफ रहो ठीक है तो स्कैटरिंग ऑफ वाटर सिंक ड्राउन ये सारी चीज हम बाद में बात करते हैं लेकिन जो इसकी फोर्स है यानी कि पानी की जो उत्पालावन बल है यानी कि जो पानी का धक्का देने की जो क्षमता है उसको हम बायोन फोर्स कहते हैं और ये डिपेंड करता है कि भाई उसके अंदर कितनी डेंसिटी के हिसाब से तो जिस पानी की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है तो उसका उत्प्लावन बल काफी ज्यादा होता है जिसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल डेड सी है मृत सागर जहां पर आप डूब भी नहीं पाएंगे आप तैयार

डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट इज अट कॉमन टू कॉज ग्वाइटर ग्वाइटर नाम की जो बीमारी है वो इसमें से किस न्यूट्रेंट की कमी के कारण हो सकता है आपकी ऑप्शन है आयोडीन कैल्शियम विटामिन सी या फिर आयरन कनिका जी कह रही है सर क्या एनसीआरटी की सारी बुक्स परचेस करनी पड़ेगी कुछ नहीं परचेस करना सारी पीडीएफ फ्री में उपलब्ध है वहां से निकालिए उठाइए और पढ़िए यस yes. आपको पता है कि ग्वाइटर जो होता है आयोडीन की कमी से होता है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज ग्वाइटर और आयोडीन जो है हम सोल्ट के साथ यानी कि सोल्ट के अंदर मिक्स होता है आयोडीन और सोल्ट के रूप में हम आयोडीन को लेते हैं सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिना किसी डाउट के एंड इंद्रेजी एब्सुलटली करेक्ट अनिशा अर्चना इंदु विष्णु ऋतिका एंड कमलेश रहनुमा आकांक्षा आप सभी सही है ऑलमोस्ट सभी सही है इस प्रश्न के लिए यस yes. एनसीआरटी पीडीएफ के लिए लिंक क्या है सुमंता जी मैं कहना चाहूँगा आप बस ये सर्च कीजिए एनसीआरटी एनसीईआरटी आर ई बुक्स सर्च कीजिए एनसीआरटी ईबुक्स ई बुक्स वहाँ पे आप बुक का नाम लिखिए मैं आपको चलिए अभी बता ही देता हूँ कि एनसीआरटी की ई e बुक आप कैसे देख पाएंगे एक सेकेंड रुकिए अभी मैं आपको बताता हूं यस या ये आपको Google.com दिख रहा है यहां पर आप सर्च कीजिए Ncert सीईआर टी ई बुक्स एन ई बुक्स सर्च कीजिए यहां पर आपको एनसीआर डॉट एन आई सी डॉट इन ई बुक्स दिखाई देगा इस पे क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद देखिए एनसीआर टी डॉट uh, यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन ई पब्लिकेशन फ्लिप बुक पीडीएफ क्लास वन टू ट्वेल्व इसको क्लिक कीजिए तो सिंपल सी बात है आप सिंपली ये सर्च करेंगे एनसीआर टी डॉट एन आई सी डॉट इन टेक्सट बुक डॉट पी एच पी आपका ये खुल जाएगा हालांकि इन्होंने देख करके पता चल रहा है कि इन्होंने अपने इंटरफेस में थोड़ा सा परिवर्तन किया है क्लास को सिलेक्ट कीजिए सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए कोई सी भी और मैरीगोल्ड सिलेक्ट कीजिए गो पे क्लिक कीजिए यहाँ पर आपकी बुक आ जाएगी यहाँ पर चैप्टर वन है ओपन पे क्लिक कीजिए देखिए किताब आपका यहाँ पर खुल जाएगा फिलहाल यहाँ पे एरर दिखा रहा है मे बी कोई प्रॉब्लम होगी ठीक है अभी इन्होंने वेबसाइट में क्योंकि पहले इनकी वेबसाइट का इंटरफेस कुछ अलग था अभी इन्होंने वेबसाइट के अंदर कुछ अपडेट्स किए हैं शायद हाँ तो ये मेरे को लगता है एक दो दिनों में ये लोग ठीक कर देंगे ये देखिए किताब खुल गई यहाँ से आप किताब के चैप्टर देख सकते हैं आप देखिए किताब को पढ़िए राइट आई होप दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर टू यू ऑल

सरिता जी भी कह रही हैं सर प्ले स्टोर पर ऐप है उसमें भी यहाँ मतलब जब बहुत सारे सोर्सेज हैं कुछ लोगों ने वहां से बुक को डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है मैंने आपको ऑफिशियल सोर्स बताया है और उस ऑफिशियल सोर्स में बुक्स अपडेट होते रहती है ध्यान रखिए क्योंकि बुक्स के अंदर काफी सारे परिवर्तन आते रहते हैं कहीं कोई टेक्स्ट में परिवर्तन आता है कुछ चेंजेस आते हैं रियल में देखा जाए तो किताब में काफी मिस्टेक होती है जो स्कूल्स में चल रही होती है लेकिन जो एकदम लेटेस्ट किताब जो चल रही होती है यानी कि जो लेटेस्ट करिकुलम होता है वो एनसीआरटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है तो वहीं से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़िए ऑथेंटिक सोर्स चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन द करेक्ट आंसर इज ए आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के अंदर कोलेरू लेक जो है वो अवेलेबल है एक थोड़ी सी ट्रिक बताता हूं कि जैसे कई बार जब भाषागत की बात आए कोई शब्द आपसे पूछा जाए और पूछा जाए जा जा कि मतलब ये कौन से भाषा का शब्द हो सकता है और अगर उसके अंदर ऊ शब्द बहुत आ रहा है ऊ बहुत आ रहा है तो आप समझ आप अंदाजा लगा सकते हैं नाइन्टी परसेंट केस के अंदर वो आंध्रा का शब्द होगा यानी कि तेलुगु शब्द होगा सो वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन ये बस मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इसका किसी भी तरह के सत्यता से कोई लेना देना नहीं है रिक्ता जी आप बिल्कुल सही हैं लक्ष्मी जी आप बिल्कुल सही है केतन जी अर्चना अबू सोफिया आप बिल्कुल सही हैं नवनीत जी आप बिल्कुल सही हैं एक्सीलेंट यस कोलेरू लेक इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में यह झील उपलब्ध है थैंक यू अभिषेक जी क्वेश्चन नंबर एटीन अकॉर्डिंग टू द सेंसस दो हजार ग्यारह दो हजार ग्यारह के सेंसस के अनुसार किस स्टेट की पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है आपके ऑप्शन है बिहार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आई होप कि आप सब इसका जवाब सही देंगे हाँ गीता जी कह रही है पूरी बुक डाउनलोड हो सकती है क्या जी हां हंड्रेड परसेंट पूरी बुक डाउनलोड हो सकती है नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कंप्लीट डाउनलोड कंप्लीट बुक ये देखिए जब आप इसको देखेंगे तो यहां पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना डाउनलोड कंप्लीट बुक इस पर क्लिक करेंगे पूरी की पूरी बुक डाउनलोड हो जाएगी ये देखिए ये पूरी की पूरी बुक डाउनलोड हो गई है ना तो इस तरीके से आप कर सकते हैं चलिए इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो मैं इसको आपको एक लिस्ट दिखा देता हूं ये हमने डिस्कस किया था ये तो देखो यूटी है ये सारे पांच को हटा दो ये सारे यूटीज हैं यूटीज के अंदर दिल्ली नंबर वन पे आता है लेकिन जब स्टेट पे आते हैं तो बिहार सबसे ज्यादा आता है जहां पर एक हजार Uh, कितना है वेस्ट बंगाल में एक हजार उनतीस है दो हजार ग्यारह के अनुसार हाँ एक हजार एक सौ दो है सॉरी एक हजार एक सौ दो है और वेस्ट बंगाल में एक हजार उनतीस आए सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बिहार की है सो so, बिहार इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट इसको याद रखिएगा रिक्ता मुखर्जी आप बिल्कुल सही है नवनीत जी आप बिल्कुल सही हैं अनिशा जी एब्सोल्युटली करेक्ट दिव्यांश रहनुमा यूर एब्सोल्युटली करेक्ट जब तक आप इसको देख लीजिए सलोनी जी आप यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट ग्रेट एजुकेशन हब हेमलता वर्मा शीतल एब्सोल्युटली करेक्ट चिलिका लेक किसी ने पूछा कि चिलिका लेक कहां है वो ओडिशा में है ठीक है चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच एंपर आर्मी डिड द महाराणा प्रताप फाइट इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की लड़ाई किसके साथ हुई थी आपके ऑप्शन है अकबर मोहम्मद शाह हुमायूं या फिर इब्राहिम लोदी। बताइए यस yes. की बात है हल्दी घाटी के रण में महाराणा प्रताप का सामना जो है अकबर से हुआ था हालांकि अकबर सीधा सीधा नहीं आया था अकबर के आ, अकबर के आ, पक्ष से लड़ने के लिए राजा मानसिंह आए थे तो मानसिंह के साथ उनकी लड़ाई हुई थी जिसमें महाराणा प्रताप ने उनको धूल चटा दी थी और उनकी जीत हुई थी सो इसका सही जवाब है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर का सामना किया था सो ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन एंड अर्चना जी आप बिल्कुल सही हैं एब्सोल्युटली करेक्ट राकेश आप बिल्कुल सही हैं विष्णु जैसे झासकेत जी भावना वत सोनल आप सभी बिल्कुल सही हैं तो महाराणा प्रताप के नाम पर इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए क्योंकि यह उन्नीसवा प्रश्न है और वीडियो को लाइक करने का समय आ चुका है ये महाराणा प्रताप को आप जानते ही हैं उनकी हाइट उनकी बॉडी उनकी तलवार आज भी जब आप उनके म्यूजियम में जाएंगे और उनकी कहानियां सुनेंगे तो सुन के ही आपको आश्चर्य होगा कि महाराणा प्रताप इतना भारी उनका जो भाला था वो कैसे उठाते थे पता नहीं कितने किलो का बताते हैं कि बीस तीस किलो का शायद उनका भाला ही था और वो उनकी हाइट भी काफ़ी ऊंची थी उनके घोड़े चेतक के बारे में तो इतनी सारी अतिशयोक्ति कविताएं बनाई गई हैं मतलब कि एक वीर के रूप में पूरी पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हैं सो उनके नाम पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एक लाइक like हो चुके हैं उनके नाम पे केवल एक अच्छी बात नहीं है ठीक है एक लोग देख रहे हैं और केवल लाइक है है उनके नाम पे दिस इज नॉट करेक्ट ये अच्छी बात नहीं ठीक है, है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज प्लेड इन वेलोड्रोम वेलोड्रोम में इन चारों में से कौन सा खेल खेला जाता है आपके ऑप्शन है साइकिलिंग बॉक्सिंग फेंसिंग या रेसलिंग जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब हाँ हेमलता जी ने बताया चालीस किलो का भाला था यस उनकी तलवार पचहत्तर किलो की थी और उनकी हाइट थी 6 फुट 6 फुट 5 इंच यस कभी मन करे ना कभी मौका मिले महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ने का तो पढ़ के ही आपको मतलब जोश उत्पन्न हो जाएगा यस लेट्स मूव चल सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका सही जवाब तो आप तभी दे सकते हैं जब आपको पता चले कि ये वेलोड्रोम होता क्या है तो रो में आपको दिखाता हूं इस तरह का एक ट्रैक होता है जहां पर मतलब थोड़ा सा स्टीप करके एक दीवार बनाई जाती है देखिए स्टीप वॉल है ठीक है अब तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर स्टीप करके बनाया जाता है आपको पता है कि आपने कभी मौत का कुआं जरूर सुना होगा और क्या पता अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं तो यहां पे मौत का कुआं आजकल शहरों में तो बहुत कम और खासकर सर्कस में होता है लेकिन गांव में कई बार मेले वगैरह लगते हैं तो वहां पर मौत का कुआं अभी आज भी बनाया जाता है जब मैं बंगाल में था तो नवरात्रों के टाइम पे वहां पर एक जगह मेला लगता था वहां पर मौत का कुआं बहुत ही जबरदस्त वो लोग बनाते थे और बड़ा ही खतरनाक खतरों से खेलते थे वो लोग तो उसके ना क्या होता है कि एक एक, एक तरीके से ऐसे स्लैंड सी ऐसी वॉल होती है और इस वॉल के चारों तरफ वो चलते हैं इस वॉल के चारों तरफ चलते हैं तो सिंपल सी बात है कि कोई चलाने वाली चीज पे ही इसके ऊपर चलेंगे तो यहां पर चलाने की चीज आपको दिखाई दे रही है कि केवल साइकिल ही है सो साइकिलिंग इज द करेक्ट आंसर वेलोड्रोम के अंदर साइकिल रेसिंग होती है सो सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन एंड नवनीत जी आप बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए सलोनी जी आर एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन And uh, Naveen, uh, German, you are absolutely correct for this question. Induramaji, you are absolutely correct. Great. Yes, Abhishek Jing. Track cycling is a uh, bicycle racing sport usually held in the specially built in the uh, banked track or velodrome using a track bicycle. Yes. यस yes. तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो पाने के लिए ध्यान रखिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर एक तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा और टेलीग्राम पे हमारे एम ई एन टीओ आर एस में थर्टी को ज्वाइन कर रखा है एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा एंड में फिर से और अभी लाइक्स भी मैं काउंट करके आपको बताऊंगा कि कितने लाइक्स है हमारा कंपेनियन कोर्स अगेन इट इज इन इन एन ऑफर प्राइस तो अगर अभी तक आप हमारे कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये पांचों चीजें आपके पास हमेशा रहेंगे और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए तो यहां पर यूट्यूब पर रेगुलर आपको क्लासेस मिल रहे हैं तो सो बेस्ट डील है और अभी फिलहाल आपको ऑफर प्राइस पे मिल रहा है केवीएसपीआरटी टू ट्रिपल नाइन

शिवानी जी कह रहे हैं सर वेटिंग फॉर कंपेनियन कोर्स रजिस्टर्ड येस्टरडे हाँ येस्टरडे कल कल रजिस्टर किया था ना तो अगर कल रजिस्टर किया था तो 48 एट आवर्स का आपको टाइम लगेगा 48 एट आवर्स के अंदर हो जाएगा अगर कल आपने रजिस्टर किया था तो आज आपको पासवर्ड मिल जाएगा मतलब कल सुबह जब आप उठेंगे तो आपके मोबाइल पे सारा चीज़ आ चुका होगा डोंट वरी ओके तो सर दैट दैट सॉल्व फॉर टुडे और एक हो चुके हैं आप सभी का दोनों हाथ जोड़ के मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा फिलहाल अभी के लिए इतना ही मिलेंगे कल के सेशन में कल फ्राइडे का सेशन है और कल जो है जनरल साइंस का सेशन होगा सो विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास टिल देन बाय ऑल द बेस्ट और हाँ मैंने आपको बता दिया है कि इस बार का जो संवाद का सेशन है उसमें एनईपी के बारे में आपका अपना क्या विचार है एक मिनट की वीडियो बना करके आप तीस से एक मिनट की तीस सेकेंड से एक मिनट की वीडियो बना करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको दे दिया है मैं दोबारा बताता हूं एट एट सेवन सिक्स नाइन थ्री जीरो डबल एट यहां पर आप वो नंबर भेज सकते हैं और तुरंत आप कंपेनियन कोर्स में रजिस्टर कीजिए अगर अभी तक आप कंपेनियन कोर्स में नहीं आए हैं तो दैट्स ऑल फॉर टिल टेन बाय ऑल द बेस्ट अपना ख्याल रखिए क्या आप भी किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए मेरा नाम अभिषेक है और मैंने के वी एस सी टेट डी एस एस बी ऐसे एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और ये जानता हूँ कि ऐसे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कौन सी ट्रिक्स चाहिए और किस तरीके से किस बेस पर हमें सिलेबस को कम्प्लीट करना चाहिए तो जुड़े मेरे साथ मेंटल स्टेस्टिक्स पर जहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज लाता हूँ और आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करवाता हूँ